नगर निकाय चुनाव को लेकर 12,000 लोगों को किया गया पाबंद। पुलिस ने असामाजिक तत्वों को बाउंड करने की प्रक्रिया को किया पूर्ण। सीसीटीवी की नजर में होगा चुनाव। मतदाता केंद्रों को किया गया सीसीटीवी से लैस। चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर दिख रहा है पुलिस प्रशासन। बुलंदशहर की सभी निकाय चुनाव में द्वितीय फेज में होना है चुनाव। चुनाव से प्रभावित हो रहा है उसमें शस्त्र जमा करवाए जा रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे जो भी सक्रिय आपराधिक तत्व हैं उनको चिन्हित कर उन पर गुंडा और गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो भी पोलिंग सेंटर्स हैं उनका भ्रमण करते हुए उनको विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर लिया गया है, जिसमें अति संवेदनशील प्लस अति संवेदनशील और सामान्य कैटेगरी में उसको विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त सेंटर्स पे सीसीटीवी की व्यवस्था है कि नहीं, इसको पास जो आने जाने के रास्ते हैं इसमें सीसीटीवी इसको भी दे और जो जारी है मामला करवाने हेतु थानों को बता दिया गया है और ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बिल्कुल निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव करवाया जाएगा और कोई भी व्यक्ति यदि कानून को अपने हाथ रखता है या चुनाव में किसी पैदा करने की चिन्हित जाएगा।